हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान के नव नियुक्त राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको राजस्थान की तरफ से दी गई है, इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं अध्यक्ष का पद किसी न किसी एक कार्यकर्ता को दिया जाता है, तो एक कार्यकर्ता के नाते मुझे दायित्व दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी में एक टीम वर्क के साथ सभी लोग मिलकर काम करते हैं, तो हम वरिष्ठ नेताओं का और सभी हमारे पार्टी के अनुभवी लोगों का अनुभव का लाभ लेते हुए एक टीम वर्क के साथ टीम राजस्थान अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। जो अभी तक माननीय सतीश पूनिया जी ने काम किया है राजस्थान की सरकार को गिरने का, केंद्र सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का, इन सारे कामों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा चुनाव को कैसे देखा जाए? देखिए, जो मैंने कहा कि सीपी जोशी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलकर एक टीम के साथ सभी लोगों का समन्वय करके सभी लोगों का मार्गदर्शन लेके हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये तय मान के चलिए कि भारत जो जिस प्रकार का नेतृत्व हमारे पास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा, जो देश नहीं दुनिया जिनको स्वीकार करती है, जिस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, गाँव गरीब किसान के लिए एक ध्येय के साथ एक समर्पण के साथ जिस प्रकार से काम हुआ है वो बहुत अविस्मरणीय है। तो आज गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, हर वर्ग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखता है कि ये व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है, जिन्होंने करके दिखाया है। तो ऐसा मजबूत नेतृत्व तो हमारे पास है, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2023 भी और 2024 भी राजस्थान बहुत मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ निश्चित रूप से उसका नतीजा है। सर, हमने देखा यहाँ पे युवाओं में काफी जोश देखा जा रहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, आगे की क्या रणनीति रहेगी प्रदेश के अंदर? देखिए, आज जिम्मेदारी मिली है, आगे की रणनीति और आगे की कार्य योजना भी जल्दी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। तो ये थे मेरे साथ नवनियुक्त राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। दिल्ली से ज्योति सिंह, A1 न्यूज।